275 पूर्व विधायक और 128 पूर्व विधायकों की फैमिली पेंशन पर 29.56 करोड़ खर्च कर रही हरियाणा सरकार। सबसे ज्यादा 2,38,000 रुपए ले रहे कैप्टन अजय यादव। हरियाणा के राज्यपाल ने कैथल का किया है दौरा। चिल्ड्रन पार्क के पास हनुमान मंदिर में 51 फीट प्रतिमा का किया अनावरण। रोहतक में भीमराव अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की है शिरकत। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में ओपी धनखड़ का संबोधन। बोले, नागरिकता संहिता आज के समय में जरूरी। भारत एक सेकुलर देश और देश की सेकुलरिज्म वैल्यू। तिगांव में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जेलदार चौपाल का किया उद्घाटन। लाखों की लागत से बनकर हुआ है तैयार। मौके पर विधायक राजेश नागर भी रहे मौजूद। तिगांव विधायक राजेश नागर ने लोगों को किया है संबोधित। कहा, शिक्षा का हब बनता जा रहा है तिगांव क्षेत्र। वहीं क्षेत्र में जल्द ही केंद्र विद्यालय लाने का दिया आश्वासन। करनाल में नींबू के दामों ने छुआ आसमान। 200 रुपए प्रति किलो के ऊपर पहुंच गई नींबू की कीमत। कर्नाटक में फसल का उत्पादन कम होना बताई जा रही वजह। रतला के भी कई गांव में गहराया बिजली संकट। बिजली ना आने से लोगों में फसल खराब होने का डर लगातार सता रहा। बिजली विभाग में कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन समस्या का समाधान नहीं। बिजली विभाग के एसडीओ के मुताबिक लाइन में इशू के चलते आई है दिक्कतें। साथ ही 1-2 दिन में दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। भवानीखेड़ा में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत। आरोपी वाहन चालक मौके से फरार। घर लौटते वक्त हुआ हादसा। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फरार आरोपी की तलाश शुरू की। भिवानी में सर्वकर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने किया जिला स्तरीय प्रदर्शन। साथ ही जमकर की प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कौशल विकास निगम को खत्म करने की उठाई मांग। कहा, कौशल विकास निगम बनाकर कर्मचारियों का किया जा रहा शोषण। सोनीपत के सांदाल खुर्द में खस्ता पड़ी सड़कों की स्थिति। गड्ढों में बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। उसके बाद भी अनदेखी प्रशासन कर रहा। सफीदों में पशु व्यापारी के घर पुलिस की रेड। करीब 8 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद। रंगीन प्रिंटर और विशेष इंक भी मिली। हिरासत में 4 लोग। आज होगी प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की वर्चुअल मुलाकात। यूक्रेन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। व्हाइट हाउस का बयान, बाइडेन चाहते हैं रूस का विरोध करे भारत। पीएम मोदी 14 अप्रैल को करेंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन। लोगों के बीच भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बनाया गया संग्रहालय। झारखंड में भयानक हादसा। त्रिकूट रोपवे की ट्रॉलियर टकराने से हवा में लटके 48 लोग। सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। त्रिकूट रोपवे घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में सेना को आ रही दिक्कतें। अब तक 19 लोगों को बचाया गया है। जेएनयू में छात्रों के बीच हिंसक झड़प। एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्र आपस में भिड़े। लेफ्ट विंग का दावा, हमले में कई छात्र जख्मी। एबीवीपी और लेफ्ट विंग में झड़प के बाद एबीवीपी छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। जेएनयू के मेन गेट पर ही धरने पर बैठ गए छात्र। वहीं लेफ्ट विंग ने भी निकाली है मार्च। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के मामले को लेकर दिया बयान। कहा, दिल्ली और हरियाणा में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, राजधानी में एक बार फिर से डरा रहा कोरोना। रविवार को 141 नए मामले आए हैं सामने। लोग सावधानी बरतना शुरू करें। यूपी के गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी की बड़ी है 5 दिनों की पुलिस रिमांड। अब एटीएस टीम के पास 16 अप्रैल तक रहेगी कस्टडी। यूपी सीएमओ के बाद अब पंजाब कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक हो गया है। डीपी और बैकग्राउंड की तस्वीरें बदली। कुछ देर बाद हुआ रिस्टोर।